अस्सलाम वालेकुम। निगरानी चैनल की तरफ से भरत आपके पास हैं और हम जा रहे हैं आज चिकन पकोड़ा बनाने के लिए। तो देखिएगा इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से पड़ने हैं। तो ये हमारे पास चिकन है, कुछ एक पाव के, एक पाव होगा। उसके साथ हमारे पास है जी काली मिर्च है, उसके साथ हमने मोटा मोटा ज़ीरा कूट लिया है, फिर गरम मसाला है, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर है। उसके साथ हम राइस फ्लावर इस्तेमाल करेंगे, कॉर्न फ्लावर इस्तेमाल करेंगे, ऑयल डालेंगे, एक अंडा है और उसके साथ मैंने एक जवा लहसुन, थोड़ा सा ये धनिया और एक सब्ज़ मिर्च, इसको मैं कूट लूँगी और फिर चिकन के अंदर शामिल कर दूँगी। चिकन जो है वो दरअसल मैंने कल रात लेकर उसमें बिल्कुल एक एक पिंच डाली थी लाल मिर्च की, नमक की, और बस उसको फिर मैंने हल्का सा मिला के छोड़ दिया था ताकि अंदर तक उसका जायका चला जाए। तो आज मैं मज़ीद जो ये मसाले हैं अब ये ऐड कर दूँगी इसके अंदर, और साथ में ही फिर हम इसके अंदर जो ये वाला सब्ज मिर्च का पेस्ट बनाएंगे वो भी शामिल करेंगे। तो चले आएँ अगला स्टेप देखते हैं। पहले हम इसके अंदर सारे जो मसाला जात हैं मज़ीद वो हम शामिल कर रहे हैं। तो ये देखिएगा, चलो मैंने एक मिर्च और थोड़ा सा धनिया लिया था, एक जवा लहसुन का था वो मैं पिस चुका है, इसको मैं अब डालूंगी अपने चिकन के अंदर दूसरे मसाला जात के साथ। अब हमने जो सब्ज मसाला है वो भी मैं इसमें डालने लगी हूँ अपने चिकन में। इसके साथ ही हम राइस फ्लावर, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं, इतना मैंने लिया है क्योंकि हम चिकन के हिसाब से डालेंगे, तो ये आप समझ लें कि 1 टीस्पून भरा हुआ है। उसके साथ ही कॉर्नफ्लावर लेंगे जो 1.5 टीस्पून जितना है। इसके साथ हम इसके अंदर अंडा शामिल कर देंगे और उसे खूब अच्छी तरह मिला लेंगे। अच्छे से चिकन का मसाज करें ताकि इसमें जितने भी मसाला जाते हैं वो अच्छी तरह घुल मिल जाएं। और फिर मज़े मज़े के हम पकोड़े बनाएंगे। इसको आप सब्ज़ चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर मेयोनीज और केचप को मिक्स करके बीच में हॉट सॉस डाल के वो भी आप डिप तैयार कर सकते हैं, जिसके साथ इसको आप मज़ा ले सकते हैं, लेकिन हम इसके ग्रीन चटनी के साथ खाएंगे। ये देखिएगा इसकी शक्ल कुछ यूँ है। अब हम अपना तेल ऊपर रखते हैं चूल्हे पे और इसको फ्राई करते हैं। इसको जब फ्राई करके निकालेंगे तो हम तेल के अंदर करी पत्ता और सब्ज़ मिर्च जूलियन स्लाइस किए हुए को तड़का लगाएंगे और इसके ऊपर डालेंगे, तो बड़ी ही अच्छी सी इसके अंदर स्मेल जो है वो उसकी भी आएगी, तो इसका मज़ा जो है पकौड़ों का वो दुबाला हो जाएगा। तो चलिए आएँ पकौड़े बनाते हैं और चाय के साथ इंजॉय करते हैं। इसे थोड़ा सा तैयार है तकरीबन, तो चलिए आएँ। इसमें हम अपने चिकन के अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून या टीस्पून के लगभग ऑयल डालेंगे और इसको भी अच्छा सा मिक्स करते हैं। चले आए अब हम इसको अपने पकौड़े को अंदर डालते हैं। इसको हम इसको प्लेस करेंगे अपने तेल के अंदर, मीडियम से थोड़ा सा कम आंच रखिएगा ताकि एक दफ़ा गर्म हो जाए तेल, क्योंकि ये फिर रोटी जो है हमारी पकौड़ा रोटी वो अंदर तक पक जाए। ये देखिए हमने पकौड़े डाल दिए हैं अपने पैन के अंदर, साथ ही मैं चाय के साथ चप्पल कबाब बना रही हूँ आलू के, क्योंकि हमने रेसिपी आपको भी शेयर की है और साथ में हमारी चाय तैयार होने वाली है। तो चले जी इसको कंप्लीट करते हैं, और इनको आपने शुरू में बिल्कुल नहीं हिलाना, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक वेट कीजिएगा, उसके बाद इसको हम हिलाते हैं। तो चलिए देखते हैं, चलिए हम देखते हैं इनको। देखिएगा अब ये एक साइड से
हाफ डन हो गए हैं, तो हम फॉर्म को उठ देंगे और फिर इधर से हम 2 मिनट के लिए मुझे पकने लेंगे साइड से भी, और फिर इसको हम उलटेंगे। मेरे तो मैंने पानी आ रहा है, बहुत सब चाय का भी टाइम है, इसलिए इंजॉय करेंगे। आप भी अगर चाय का टाइम है तो, और आपके पास चिकन अवेलेबल हो तो ज़रूर शाम तक ट्राई करें। चलिए आए देखते हैं। अब ये क्योंकि दोनों तरफ से हो गया, आप इसको आराम से उल्ट पलट सकते हैं। अब हम खीरे लगा कर देखेंगे तो आया ये जल गए हैं। अगर जल गए हैं तो बस फिर ये 1 मिनट और बना के, तो बस ये देखिए बिल्कुल ठीक है, चिकन अंदर तक चल चुका है। अब हम इसको तकरीबन 30 सेकेंड के लिए बनाएंगे और उसके बाद इसको हम उतार लेंगे। अच्छा, ये जो हमने चिकन अभी बनाया है पकौड़ों का, ये एक बैच था, आधे से ज़्यादा अभी है, इसमें ये देखिएगा एक बैच और अच्छा सा बन जाएगा, तो ये मैं बाद में बनाऊँगी, लेकिन अभी मैं इसको डिश ऑफ करती हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि कितने अच्छे से क्रंची से पकौड़े हमारे बने हैं। तो चलिए डिश ऑफ करते हैं। हो गया है, चले हम पकौड़े के ऊपर डालते हैं। चले जी, हमारे पकौड़े और जो हैं चप्पल कबाब वो तैयार हैं चटनी के साथ, चाय हमारी तैयार हो गई है, और जो हमारे लोलू पोलू हैं ये भी कह रहे हैं कि भाई हमें भी पकौड़े चाहिए, तो चले इन्हें भी पकौड़े खिलाते हैं।